गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। 11th क्लास के लिए हाइड्रोकार्बन टॉपिक में एल्कीन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एल्कीन्स में पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि एल्कीन्स आपकी क्या होती हैं, इनमें आइसोमेरेज किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, नेम इसकी क्या है। अब इसके बाद आज की वीडियो में बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स में जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो हमारी एल्कीन्स है। तो एल्कीन्स को हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला आपका होगा कि फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन के द्वारा हमें फॉर्म करना है। एल्काइन से हम एल्कीन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो एल्काइन से आपका यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, मान लो हमने सबसे पहला एल्काइन लिया एसिटीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ। और यदि ये रिएक्शन हम निकल की प्रेजेंस में कराते हैं 200-300 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे तो एथिलीन में मिलेगा, और एथिलीन की फिर रिएक्शन होगी तब जा करके हमारा एल्कीन फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर हमें बीच में ही रोकना है, एथिलीन चाहिए, निकल की प्रेजेंस में कराएंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन हमारी एल्कीन पर रुकेगी, तो यहाँ पर हमें एल्कीन चाहिए। तो एल्कीन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन होगी लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये हमारा लिंडलार कैटलिस्ट है, पीडी और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। यदि आपने ये लिंडलार कैटलिस्ट ले लिया तो इस केस में ये रिएक्शन हमारी एथिलीन पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन आपके टू हैं तो एक एज यहाँ पर अटैच करेंगे, एक यहाँ पर करेंगे, तब मिलेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म हुई हमारी एथिलीन। एथिलीन फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यदि यहाँ पर प्रेजेंस आप निकल के ले लेते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन हमारी एथिलीन फॉर्म होगा, एथिलीन से फिर आपकी रिएक्शन होगी तो एथेन फॉर्म होगा, यानी ये एल्केन फॉर्म करेगा। और यदि आपने लिंडार कैटलिस्ट ले लिया तो उस केस में आपका जो है एथिलीन का रिएक्शन रुक जाएगी। तो यदि रिएक्शन को हमें बीच में ही रोकना है, एथिलीन का पार्शियली हमें हाइड्रोजनेशन करना है, तो आप लिंडार कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेंगे। और यदि ये नहीं लेते निकल लेते हैं तो फिर इसका कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और यानी एल्केन फॉर्म हो जाएगा। और सेकंड आप बनाएंगे इसे बाय क्रैकिंग के द्वारा, बाय क्रैकिंग। तो क्रैकिंग में क्या होगा, यहां पर ये आपने ब्यूटेन लिया C4H10, इस ब्यूटेन को हम हीट करेंगे Cr2O3 और प्लस Al2O3 की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये हमारा जो ब्यूटेन है ये लोअर मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, CH4 देगा और C3H6 देगा, तो एक मेंबर हमारा एल्किन होगा और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एल्कीन, थ्री कार्बन से, तो ये होगा प्रोपीलीन, प्रोपीलीन। तो ये हमारी क्रैकिंग हुई। क्रैकिंग आप जानते हैं क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल होगा आपका, ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसे जब आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3 और 600 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये एल्कीन और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी लोअर मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो क्रैकिंग द प्रोसेस में हैवियर मॉलिक्यूल या हैवियर एल्कीन्स आर हीटेड विद Cr2O3 प्लस Al2O3 एट 600 डिग्री टेम्परेचर, then lower members are formed and this process called cracking। और ये क्रिया हमारा, ये प्रोसेस क्रैकिंग कहलाती है। क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस, इसे पायरोलिसिस भी कहा जाता है। इसके बाद तो पायरोलिसिस क्रैकिंग क्लियर हुई कि कोई भी एल्केन हो, लार्ज एल्केन हो, बड़ा एल्केन हो, उसे यदि हीट करेंगे हम इनकी प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर तो छोटे छोटे एल्केन्स में और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस हमारा क्रैकिंग कहलाता है। इसके बाद अब बनाएंगे हम फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से एल्कीन्स किस तरीके से बनेगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा। यहां पर ये लिया हमने एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लें, ये एल्कोहल है आपका CH3, यहां CH2 और OH। इस एल्कोहल को हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एक आपने यहां पर ले लिया कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 से रिएक्शन होगी करीब 160-170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर,
आपका एल्किन फॉर्म होगा, टू कार्बन से टू कार्बन वाला एल्किन फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 बाहर होगा। और यदि हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के साथ नहीं कराना, हमने हीट किया Al2O3 एलुमिना के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो आपका ये एल्किन फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर आउट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी एल्कोहल्स हो, यदि एल्कोहल्स को हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 डिग्री टेम्परेचर पर 160 टू 170 पर यदि हीट करते हैं तो हमारा एल्किन फॉर्म होगा, वाटर आउट हो जाएगा। और या फिर हम एल्कोहल को Al2O3 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमारा एल्किन फॉर्म होगा, वाटर आउट हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शन हमारी कहलाती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकल जाए कहीं से भी उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। अब इसी में एक आपका सेडजर रूल भी आ जाता है कि सेडजर रूल में आपका एल्कोहल से हीट करते हैं तो एच कहां से रिमूव होगा इसकी वजह से आपको देखना है। तो सेडजर रूल लगाते हैं तो उससे भी आपका एल्किन फॉर्म होगा, ये सेडजर रूल के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपने CH3 CH2 यहां C OH हो गया फिर H और यहां ले लिया CH3। यदि हम इस एल्कोहल को हीट करेंगे H2SO4 के साथ तो यहां पर भी आपका डिहाइड्रेशन होगा। यहां से H कहां से आप रिमूव करेंगे, कहां से निकालेंगे, ये आपका OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। आप इसके आसपास वाले कार्बन कंपेयर करिए, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो वहीं से हमारा जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहां आपके टू है हाइड्रोजन, यहां थ्री है। यदि आप यहां से प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखिए दोनों प्रोडक्ट हम शो किए दे रहे हैं। एक पहला प्रोडक्ट आपका यदि आप यहां से लेते हैं H को तो एक H और ये OH मिलकर वाटर फॉर्म कर देगा, और जब H यहां से रिमूव होगा तो यहां पर आपका एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, तो एल्किन फॉर्म होगी आपकी CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्किन फॉर्म होगा। और यदि आपने यहां से रिमूव किया तो यहां से एक H आपका वाटर OH मिलकर वाटर फॉर्म कर देगा, H रिमूव होगा तो यहां पर एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, तब मिलेगा CH3CH2 यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। अब एल्किन आपकी टू एल्किन हो गई, एक एल्किन ये है एक एल्किन। अब ये कौन सा पॉसिबल, ये सेडजर प्रोडक्ट हो गया हमारा और ये आपका जो है हाफ मैन प्रोडक्ट हो जाता। तो सेडजर प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, दोनों एल्किन फॉर्म में। अब इनमें कंपेयर कर लेंगे कौन सी स्टेबल एल्किन होगी। अब इसमें यदि हम स्टेबिलिटीज की चेक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे हमारे, ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा है, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए आपके। और यहाँ पर देखेंगे तो इस एल्किन के साथ में कार्बन अटैच है, ये अल्फा पोजीशन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसमें ये अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतनी स्टेबल एल्किन होती है, तो ये एल्किन जो है हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये होगा, ये हमारा सेडजर रूल हो गया। यानी एच वहां से रिमूव करना है जहां पर कम हाइड्रोजन अटैच हो, इसे कहेंगे आप सेडजर रूल। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन प्रिपरेशन आपने देखा कि सबसे पहले हमने एल्काइन्स के द्वारा एल्काइन का पार्शियली हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब आपका जो है एल्कीन फॉर्म होगा। और सेकेंड आपने देखा क्रैकिंग के द्वारा कि एल्केन है, लार्ज एल्केन है, उसे यदि हीट करते हैं हम हाई टेम्परेचर पर 600 डिग्री टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 प्लस Al2O3 की प्रेजेंस में, तब जा करके हमारा छोटे छोटे मेंबर्स फॉर्म हो जाते हैं जिनमें वन मेंबर हमारा एल्केन होगा, सेकंड मेंबर आपका एल्कीन होगा, और ये प्रोसेस हमारा क्रैकिंग या पायरोलिसिस के नाम से जाना जाता है। थर्ड में आपने देखा कि एल्कोहल्स के द्वारा, तो एल्कोहल के द्वारा हम एल्कीन्स को टू मेथड से प्रिपेयर करते हैं। यदि हमने अलग अलग प्रेजेंस ले लिया, रेजेंट चेंज कर दिया और उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर ले लिया, तो पहले आपने लिया जैसे कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो उस केस में एल्किन फॉर्म होगा और वाटर आउट होगा। और यदि हमने जो है H2SO4 ना लेकर के एलुमिना ले लिया Al2O3 और टेम्परेचर लेंगे 350 हाई टेम्परेचर, तो आप देखेंगे कि एल्किन फॉर्म होगा।
तो ये दोनों रिएक्शन में एल्केन फॉर्म होती है और वाटर रिमूव होता है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया। तो इस तरह वीडियो आप देखते रहे हैं और वीडियो को शेयर करते रहे। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट।